नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार के राजनीति में एक बार फिर फेरबदल हो सकता है। जी हां, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से पांच राज्यों का चुनाव परिणाम आया, जिसमें से तीन हिंदी बेल्ट के राज्यों में, जिस तरीके से कांग्रेस की सत्ता वापसी आई हुई छत्तीसगढ़ में, एक तरीके से कांग्रेस ने पहली बार राज्य बनने के बाद सरकार बनाया, उसके बाद इसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, यह मैंने पहले आपको बताया था। अब जो नया समीकरण बन रहा है उसमें यह है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से खुद को अलग कर चुके हैं, मंत्री पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को सौंप चुके हैं, और उपेंद्र कुशवाहा संभवतः बस एक दो या तीन दिन के अंदर में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं और महागठबंधन में उनकी एंट्री हो सकती है, और इससे कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। अब आप सोचेंगे कि उनकी चिंता क्यों बढ़ी है, तो दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के एंट्री से जीतन राम मांझी का स्पेस, या उनका जो एक तरीके से कहें जो उनका जो महागठबंधन में जो उनकी स्थान, उनका जगह था, वो कहीं ना कहीं कम होगा और उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा स्पेस दिया जाएगा, क्योंकि आजकल उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा लाइमलाइट में है। और मीडिया सूत्रों की माने, जो मीडिया में खबर चल रही है उसकी माने, तो लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस हद तक तय हुआ है कि इस तरीके से तय हुआ है कि 20 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 10 सीट कांग्रेस को दिया जाएगा और 6 सीटें शरद यादव और उपेंद्र कुशवाहा को संगठित रूप से दिया जाएगा। मतलब 6 सीटें इन दोनों को दिया जाएगा, ये लोग मिलके लड़ें या इन तीन तीन आपस में बांट लें। आपको पता ही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर ही एनडीए से वो अलग हुए थे, इसी का बहाना उन्होंने दिया था कि एनडीए में उनको सीट नहीं मिल रहा है जितना वो मांग रहे हैं, तो यही कह के उन्होंने एनडीए से खुद को अलग किया था। अब जबकि यह खबर आई है कि 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव को दिया जाएगा, 10 कांग्रेस लड़ेगी, 10 पे और 20 पे आरजेडी लड़ेगी, तो वहीं यह खबर है कि जीतन राम मांझी को सिर्फ एक सीट दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं बिहार में, 20 लोकसभा सीटों पर दावा कर रहे हैं कि वो उस पर उनपे लड़ेंगे, वहीं उनको एक सीट दिया जाएगा, तो वो इससे जाहिर सी बात है कि खलबली मच गई है उनकी पार्टी में, और वो एक तरीके से जो जिस तरीके से महागठबंधन के दूसरे दल उपेंद्र कुशवाहा को स्वागत कर रहे हैं महागठबंधन के अंदर में, उस तरीके से वो खुशी जीतन राम मांझी के चेहरे पे नहीं दिखाई देता, उनके पार्टी में नहीं दिखाई देता। हाँ, वो दबे मन से जरूर कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत है, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, एनडीए से खुद को अलग कर लिया, लेकिन वो जो एक जिस तरीके से कांग्रेस या जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत कर रहे हैं महागठबंधन में, उस तरीके से जीतन राम मांझी स्वागत नहीं कर रहे हैं। अब इसका 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 कारण यह है, इसके पीछे का कारण कि जीतन राम मांझी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सीटों का उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन में एंट्री के बाद। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो लेफ्ट पार्टी यानी वामपंथी पार्टियां जो है सीपीआई सीपीएम, उसको भी जीतन राम मांझी से ज्यादा सीट देने के मूड में है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। खबर है कि सीपीआई सीपीएम मतलब जो लेफ्ट पार्टीज के जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनको 2 सीटें मिल सकती है लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए, और इसके साथ साथ बीएसपी मायावती की पार्टी को भी 1 सीटें दी जाएगी। यानी कुल मिला के अगर कहें तो जितनी सीटें मायावती को दी जा रही है बिहार में 1 सीटें, उतना ही सीट हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को भी दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो खबर है वो जीतन राम मांझी के लिए अच्छी खबर नहीं है, और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी से जो खबर चल रही है उससे निराश है, और आने वाले समय में यह देखा जा सकता है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर या सीट शेयरिंग के जो पेच फंसा हुआ महागठबंधन में, एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए में फंसे पेच के बाद किस तरीके से महाभारत हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को अलग कर लिया, किस तरीके से उन्होंने एक बहाना दिया कि वो उनको जो उनका सम्मानजनक समझौता उनसे नहीं किया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ यह संभव है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा महागठबंधन में भी इस तरीके का कुछ हलचल देखने को मिल सकता है। संभवतः 1-2 दल वापस बाहर जा सकते हैं महागठबंधन से, जैसे जीतन राम मांझी जैसे दल हुए। और यहां पे कयास यह भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार की मुलाकात पिछले दिनों आपको याद होगा कि पटना, बिहार की राजधानी पटना में जीतन राम मांझी से हुई थी, हालांकि दोनों पक्षों ने इसको औपचारिक मुलाकात, एक व्यक्तिगत मुलाकात कहा था, औपचारिक मुलाकात होने से खंडन किया था, किसी तीसरे मोर्चे की खबर को खंडन किया था, लेकिन बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट है कि ये छोटे छोटे दल एक प्लेटफॉर्म पे आके एक तीसरे मोर्चे का विकल्प दे सकते हैं। तो जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हो सकती है महागठबंधन में, वहीं जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज होकर
महागठबंधन से बाहर भी जा सकते हैं अगर उनको सिर्फ एक सीटें दी गई तो। अगर कुल मिला के मैं एक बार फिर इस चीज को स्पष्ट कर दूं, जो महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें 20 सीटें आरजेडी के खाते में जाने की बात चल रही है, 10 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और 10 में से जो 6 सीटें हैं उस पर शरद यादव और उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में 6 सीटें जाएगी, 2 सीटें जो है 2 सीट को लेफ्ट दलों को दिया जाएगा, वामपंथी दल हैं उनको दिया जाएगा, और 1 सीट पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और 1 सीट पर मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी को दिया जाएगा। तो आने वाले समय में देखते हैं कि ये जो खबर चल रही हो सच में कोई हकीकत का रूप लेता है, क्या महागठबंधन में भी एनडीए की तरह कोई फूट पड़ती है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के, या फिर सारी जो बातें हैं ये अफवाह साबित होती है, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा लिया जाएगा महागठबंधन में। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।